नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स। मैं हूं राहुल, आपको लेकर हाजिर हूं आज आपका ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर क्लास 9th का। यहां पर चैनल नंबर 9 पर हम बात करेंगे आज साइंस की, और जो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 1। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेहिचक फोन करें 8800440559 पर, और आप चाहे तो ईमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं dth.class9@cieet.nic.in। आपको ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं कहूँगा हमारी जो एक्सपर्ट है वो स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर प्रियंका वार्ष्णेय। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। डॉक्टर प्रियंका नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा है आप अच्छी होंगी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात हम करेंगे, तो बहुत बेसिक सवाल मुझे लगता है जिससे शुरू करना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए कि सेल्स क्या होते हैं, सो दैट दे मे कम टू नो कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज अगर आप कहें तो मैं शुरू करूंगी बच्चों के साथ इसका डिस्कशन। प्लीज, यस प्लीज। सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग नाइसली। सो टुडे आई एम हेयर विद अ टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस विच इज देयर इन 9th क्लास, एंड दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। सो आई विल ट्राई टू बिल्ड अप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जैसे कि राहुल जी ने कहा कि सेल को जब हम सुनते हैं, जैसे कोशिका जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कोशिका की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले एक प्रश्न जो हमारे मन में आ सकता है, क्वेश्चन जो आ सकता है, वो ये है कि ये सेल होती क्या है। तो इसके लिए राहुल जी, एक चीज मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी, मुझे पूरी इस चीज की उम्मीद है कि बच्चों ने 8th क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा है, क्योंकि 9th क्लास में ये जो सेल का चैप्टर है ये पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, 8th क्लास में ये टॉपिक बच्चों के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्टूडेंट्स ने, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपने इसको पढ़ा हुआ है, और बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि काफी दिन हो गए हैं, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देखिएगा सेशन ये देखने के साथ साथ और इससे पहले भी, ताकि आपके फाउंडेशंस क्लियर हों। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड टू बिल्ड अप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, तो बहुत ही आम भाषा में अगर मैं इसको शुरुआत करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि हम सारे लोग जो हम अगर हम बायोलॉजिकल हमारी बॉडी की बात करें, तो हम सारे लोग बेसिक यूनिट जिसको हम कहते हैं, जिससे मिलके हम बने हुए हैं, हमारी बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है, उसको हम सेल कहते हैं, उसको हम कोशिका कहते हैं। बहुत ही ये सिंपल और आम इसका एक एक्सप्लेनेशन है जिसको हमेशा से हम इंट्रोड्यूस करते आए हैं और बताते आए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे एक दूसरे को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसी सेल क्या चीज होती है, कोशिका क्या चीज होती है, क्योंकि हमें तो अपने आंख नाक हाथ पैर इस तरह से चीजें दिखती हैं, कोई बॉडी दिखाई, सामने हमें चीजें दिखती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें काफी पुराने समय की, तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मानव है उसका जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत पहले से रही है, शुरुआत से ही हमारी बहुत क्यूरियस नेचर रहा है। तो हमेशा से हमारी ये कोशिश थी कि हम चीजों को और गहनाई से जानें, जहां जहां हमें लगता था कि कुछ चीजें रहस्य हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वहां पे हम हमेशा प्रयत्न करते थे। तो इस तरीके से हमारे शरीर के बारे में भी जानने के लिए प्रयत्न हमेशा से रहे, और मैं ये कहूंगी आज से तकरीबन 200 से 250 साल पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने सेल्स को देखा। तो उसके बाद में उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उन्हें लगा कि ये क्या चीज थी, इसको तो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अगर मान लीजिए हम कोई कॉर्क ले लेते हैं या कोई बार्क ले लेते हैं, जैसे लकड़ी होती है, छाल होती है पेड़ की, उसको ले लेते हैं, तो इसके अंदर ऐसी भी चीजें कुछ हो सकती हैं, क्योंकि बाहर से देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा, और फिर वहां से बहुत सारे साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, और धीरे धीरे हमारी अब जो ये कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है सेल के बारे में कि सेल क्या है, इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से काम करती है, इसका केमिकल नेचर क्या है, ये सब चीजें जो हैं, ये धीरे धीरे इसको मैं कहूंगी इसका उद्विकास हुआ या इसका इवोल्यूशन हुआ। तो मैं एक सिस्टमैटिक वे में, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी साथ में लिया है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड से हम जुड़े हुए हैं तो विजुअल्स बच्चे देखते हैं तो उनकी ज्यादा समझ बनती है। ठीक है, तो इस आज के डिस्कशन में सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल एंड हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड and how a cell can be observed, which is a challenge, and contribution of Robert Hooke, Leeuwenhoek, Robert Brown, Purkinje, Schleiden and Schwann and Virchow. ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एरिया में काम किया हुआ है, एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल की भी मैं बात करूंगी और इसके स्ट्रक्चर्स की भी बात करूंगी। ओके, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगी कि आप देखें
जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमें ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है, और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं. तो इसका एक तरह से हम रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि सेल्स जो है वो एक बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की. और जब ये साथ में मिल जाती हैं तो ये टिश्यूज बना देती हैं. और जब टिश्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अभी 9th क्लास में ही आगे बच्चे पढ़ेंगे कि टिश्यूज चार तरह के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है. तो जब अलग अलग तरह से टिश्यूज बनते हैं और जब वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो वो फिर ऑर्गन बनाते हैं. तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन बन जाता है. और जब ऑर्गन बहुत सारे पार्ट मिल जाते हैं ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में होते हैं जिनके बाद हमारी पूरी बॉडी बनती है. तो ये रिलेशनशिप है, हम देख सकते हैं कि जैसे एक कोई दीवार होती है तो उस दीवार में छोटी छोटी ईंट होती है और उनको हम लगाते चले जाते हैं और फिर दीवार बन जाती है. जब हम घर बनाने जाते हैं तो हमारा घर किसी भी तरह का हो सकता है ना, हम ट्रायंगल बना सकते हैं, हम सर्कल बना सकते हैं, हम स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक यूनिट देखें तो वो ईंट लगी होती है, ब्रिक लगी होती है उसमें. तो इसी तरीके से तरीका हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन बेसिक यूनिट सेम है. ठीक है, तो जैसे हम अपनी बात करें तो एनिमल्स हैं, हम अलग अलग दिखते हैं. जैसे मान लीजिए एक डॉग है, एक कैट है, एक ह्यूमन बींग है, एक बर्ड है, एक प्लांट है, सब अलग अलग दिखते हैं. लेकिन अगर आप बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो सबके अंदर सेल है. प्लांट के अंदर भी सेल है, एनिमल्स के अंदर भी सेल है, बैक्टीरिया भी सेल से मिलकर बना हुआ है. तो हम सबकी जो बेसिक यूनिट है लिविंग बींग्स की वो है सेल. तो अगर हम ये कहें कि सबसे छोटी यूनिट जिसमें लाइफ होती है वो सेल, वो सेल है, वो कोशिका है. ठीक है, तो इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे. ओके, और देखते हैं कि किस तरह से ये डिस्कवर हुआ. तो जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी, रॉबर्ट हुक थे जो काफी क्यूरियस थे, और उन्होंने उस समय पे आप समझ सकते हैं कितने लिमिटेड मींस रहे होंगे, और उन्होंने 1665 में, तो क्योंकि क्यूरियोसिटी थी तो इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था. और उसके थ्रू इनका इंटरेस्ट था, तो इन्होंने क्या किया कि जो बोतल्स होती हैं, बोतल होती हैं, उनके ऊपर ढक्कन होता है जिसको कॉर्क कहते हैं, तो उस कॉर्क को लेके पतली उसकी स्लाइस बनाई और उसको उस माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा कि मुझे क्या दिखता है. तो उनको ऐसा दिखा कि उसमें उनको हनीकॉम स्ट्रक्चर्स दिखे. हनीकॉम स्ट्रक्चर्स का मतलब जैसे मान लीजिए एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो हम देखते हैं उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, है ना, उसके अंदर वो रहती हैं, फिर वो शहद इकट्ठा करती हैं. तो इसी तरीके से इनको ऐसा दिखा कि वो कॉर्क के अंदर हनीकॉम स्ट्रक्चर इनको दिखे. तो इन्होंने उन रूम्स को बोला कि ये सेल है. और इसके बाद में इन्होंने और बहुत सारे काम किए, लेकिन इनका काम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि उस समय टेक्नोलॉजी की भी दिक्कत थी, इतना बढ़िया माइक्रोस्कोप थे नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी उस समय नहीं था, 1940 में आया वो. तो इसलिए जो चीजें थी वो धीरे धीरे आगे चली. तो इनके जो माइक्रोस्कोप था, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना किस तरह से इन्होंने इसको बनाया था. आईपीस था, ऑब्जेक्टिव था, और अलग अलग इक्विपमेंट थे, और लिक्विड ऑयल लैंप भरी हुई है साथ में, और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो हम ये कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है स्टूडेंट्स कि अगर उस समय इतने प्रयत्न हो सकते थे तो आज के समय में हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते. तो ये भी हमें इंस्पिरेशन यहाँ से लेनी चाहिए. इसका एक विजुअल सर देखिए, यहाँ पे बच्चों को मैं चाहूंगी कि देखें वो कि जैसे प्लांट है, वहां से हमने कॉर्क लिया, कॉर्क को हमने छोटे छोटे उसके, जैसे मैं अभी बता रही थी कि बोतल की कैप होती है, वो बनाई, और उसके बाद में जब स्लाइस रख के देखा तो ये रूम हमें दिखाई दिए. तो ये इस तरह की चीजें हम अलग अलग तरह के ले सकते हैं. आगे मैं बताऊंगी स्टूडेंट्स को कैसे कैसे हम देख सकते हैं सेल्स. जैसे एक यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमें सेल को देखना है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैं कहूंगी कि अगर ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी. तो आपके स्कूल में अगर एक भी माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं. और बहुत आसान है स्लाइड को बनाना. आप जैसे अनियन पील ले सकते हैं, अनियन का मतलब प्याज हमारे घर पे जो होती है उसको हम ले सकते हैं, और उसकी जो इनर साइड होती है वहां से पतला सा उसका एक निकाल के, और उसको हम वॉच ग्लास में पानी में रख लेते हैं ताकि वो हाइड्रेशन उसका रहे, पानी ना जाए उसका. और उसके बाद में एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और ग्लास साइड के ऊपर इसको हम डालते हैं, और यहाँ पे लगाने के बाद में उसको हम सेफ्रिनिन से, एक डाई होती है उससे हम स्टेन कर सकते हैं, और उसके बाद में कवर स्लिप से बहुत ही आहिस्ता से हम उसको ढक देते हैं ताकि बबल ना आए, एयर बबल ना आए. और जब माइक्रोस्कोप में रखे उसे हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, यानी कि सेल्स दिखाई देती हैं. सेल वॉल होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है उसमें, और ये सब चीजें हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं. तो इस तरह से हम सेल को देख सकते हैं. अच्छा सर एक बात बताइए, ये तो मैंने बताया कि ये हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से कर सकते हैं. ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है आप बताइए कि हम किसी सेल को बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आप जैसे आपने कहा कि हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल से ही मिलकर बना हुआ है,
आपका भी मेरा भी और तमाम सर्वत्र विद्वान है, परंतु ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके सेल्स देख सकता हूँ या मैं अपने देख सकता हूँ, तो मुझे लग रहा है माइक्रोस्कोप की जरूरत तो होगी। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सर, आपने बात बिल्कुल सही कही है जिस संदर्भ में कही है, क्योंकि अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो वो तो हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे, लेकिन सेल होती है, जैसे मैं एग की बात करूं, अंडे की बात करूं, है ना, डेली में हम बॉइल्ड एग्स भी खाते हैं, ऑमलेट भी खाया जाता है, घरों में इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक सेल है, तो वो भी एक सिंगल सेल है, तो साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रिच बर्ड होती है, उसका भी जो एग होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन वो भी सिंगल सेल होती है। तो सेल का जो साइज है वो काफी अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो इतना माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है कि उसको आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़े, और वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि आप उसको नेकेड आई से देख सके, जैसे कि हेन का एग है, मुर्गी का अंडा है। तो इस तरह से हमें वेरिएशन स्टूडेंट्स देखने को मिलती है। तो अब हम इसमें जब डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी आप जब स्लाइड बनाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई देती हैं, न्यूक्लियस दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल दिखाई देती है, इनको हम सेल्स कहते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट हुक के बाद में किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसकी मैं बात करना चाहूंगी। तो 1674 में लीविन हॉक थे जिन्होंने अगेन एक एडवांसमेंट लाया माइक्रोस्कोप बनाने में, एक अच्छा बेहतर माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया विद हायर मैग्नीफाइंग पावर, और उसके अंदर उन्होंने फिर लिविंग सेल्स को देखा। तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल को देखा था कॉर्क के अंदर, लेकिन लीविन हॉक ने लिविंग सेल्स को देखा, जैसे कि उन्होंने पॉन्ड से पानी लिया, तालाब से पानी लिया, और उसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्होंने उसकी स्लाइड बनाई और उसके अंदर देखा, तो वो तैरते हुए भी उनको दिख गए, अमीबा हो गया, जैसे अमीबा होता है तो वो भी उनको दिख गया, क्लैमाइडोमोनास है, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सब उनको देखने को मिले। इसके अलावा हम स्पर्म सेल्स की बात करें, एग सेल्स की बात करें, या नर्व सेल्स की बात करें, या ब्लड सैंपल अगर हम लेते हैं तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें, इन सबको भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने लिविंग सेल को देखा। इसके बाद में देखिए, अब 1674 से अगला एडवांसमेंट मेजर हमें 1831 में दिख रहा है, तकरीबन मान लीजिए 150 साल, है ना, तो ये इतना समय क्यों लग गया? टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल होता है एडवांसमेंट ऑफ साइंस में भी, इसीलिए कहा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैंड इन हैंड चलते हैं हमेशा। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो साइंस बढ़ती है, और जब साइंस बढ़ती है तो नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इस तरीके से ये हैंड इन हैंड चलते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और उन्होंने बताया कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। बाद में पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया और बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और जो फ्लूइड होता है उसको अगर हम मिला दें, न्यूक्लियस और फ्लूइड को मिला दें, जिसको बाद में साइटोप्लाज्म कहा गया, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में हमें बताया। तो हम देख सकते हैं कैसे एक एक करके हमारी जानकारी बढ़ रही थी इसके बारे में। ऐसे ही 1839 में जो थ्योरी आई, सेल थ्योरी, श्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी, ये बड़ी फेमस थ्योरी है बायोलॉजी के एरिया में, और ये बताती है कि इनने, श्लाइडेन एंड श्वान ने ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जनरलाइजेशन जो आया, क्योंकि पहले तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस चल रहे थे, यूनिफॉर्मिटी जो आई, जनरलाइजेशन जो आया कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके ही बने होते हैं, ये सेल थ्योरी में आया था, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। इसके बाद में 1855 में वर्चो ने इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और उन्होंने बोला कि एक चीज और भी बहुत जरूरी है कि कोई भी नई सेल जब आती है तो वो पुरानी सेल से ही आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे क्रिएट कर सकें। टिल डेट आप देखेंगे कि ये हमने साइंस में बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, लेकिन अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्या हम आइसोलेशन में सारे जिस सेल के जो पार्ट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सबको अगर हम एक जगह रख दें तो क्या हम खुद सेल क्रिएट कर सकते हैं? तो ये अभी तक नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो एक सेल है वो दूसरे को जन्म दे रही है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन के थ्रू, सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू तो सेल बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेशन में कितना भी कंट्रोल मीडियम कर लीजिए, कितना भी लैब में कंडीशन रख लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, आपने और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, सबको साथ में रख दिया, साइटोप्लाज्म को, और आपने सेल बना दी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लाइफ इज अ मिस्ट्री, कि जो जब हम सेल की बात करते हैं कि सेल में लाइफ कहां से आती है, तो क्या अगर हम वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो अभी साइंस में अगर हम देखें तो हमने समझ तो लिया है, लेकिन लाइफ की जब हम बात करें, इसीलिए देखिए वायरस की जब हम बात करते हैं, अभी COVID-19 में वायरस का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस को यह माना जाता है कि जब वायरस किसी बॉडी को पा लेता है तो वो लिविंग हो जाता है, लेकिन अगर किसी बॉडी में नहीं है, आइसोलेटेड एयर में है, वाटर में है, तो वो एक डेड क्रिस्टल की तरह है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल स्ट्रक्चर नहीं है पूरा। अगर सेल स्ट्रक्चर होता तो वो बैक्टीरिया बन जाता,
उसको लाइफ मिलती है, फिर वो वायरस बैक्टीरिया बन जाता है। हाँ, तो बैक्टीरिया जो एक लाइफ की हम बात करते हैं, तो बैक्टीरिया तो लाइफ है, लेकिन वायरस को हम लाइफ नहीं मानते, उसको हम पार्टिकल ही मानते हैं, लेकिन वो लिविंग कैरेक्टर शो कर देता है, लेकिन अगर उसको कोई होस्ट मिल जाए तो। राइट, तो इसीलिए सेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम लोगों को ये हिदायत दी गई कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट अभी भी मैं तो कहूंगी हमें फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां पे भी हम रिलैक्सेशन आता है वहां कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है, प्रॉब्लमेटिक चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से, तो स्टूडेंट्स अब हमने कोशिश करी कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुई, कैसे अलग अलग उसके पार्ट थे या उसके बारे में एडवांसमेंट था आया। अब देखिए, प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें, दोनों डायग्राम्स आप देख सकते हैं। प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे पार्ट हैं जो बताए गए हैं, जैसे कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, अगले सेशन में मैं जरूर करूंगी उनके साथ, लेकिन आज हम ये जान लें कि किस तरह से सेल हमारी होती है। तो प्लांट सेल हमें इस तरह से कुछ दिखती है। इसके अलावा जब हम एनिमल सेल को देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, वो होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल जो होती है उसमें एक आउटर वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वो हार्ड होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, वो प्लांट सेल में होती है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि उनको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो इसीलिए प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल होती है और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनफैक्ट एक और ऑर्गेनेल होता है वैक्यूल, जो काफी बड़ा होता है। लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, और जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। तो ये डिफरेंस एक रहता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में देखने को मिलता है हमें। ठीक है। और एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की, जो सेल्स होती है वो एक सेल भी हो सकती है और कई सारी सेल्स भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है सर कि एक सेल है तो इसका मतलब वो कम है किसी से, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर जिनको हम कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक ही सेल है। Right. लेकिन एक सेल सब कुछ काम कर लेती है, डाइजेशन भी कर देती है, एक्सक्रीशन भी कर देती है, रिप्रोडक्शन भी कर देती है, मल्टीप्लिकेशन भी कर देती है। तो सिंगल सेल भी बहुत कुछ कर सकती है और पूरा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सिमिलरली मल्टी सेल्युलर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी आर मल्टी सेल्युलर, हमारे स्पेशलाइज फंक्शन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब चीजें हैं। तो लाइफ की एक जो ब्यूटी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम इसको यूनिसेल्युलर में भी पाते हैं और मल्टी सेल्युलर में भी पाते हैं, सिंप्लिसिटी में भी पाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी में भी पाते हैं। तो ये भी एक ब्यूटी है जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी या साइंस कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलती, ये साइंस भी है, ये आर्ट्स भी है, ये लाइफ भी है, सब कुछ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इसको एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना चाहिए। अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भी बात करें तो उसमें भी बहुत जोर देकर ये चीज समझाई गई है कि कभी भी कोई सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं तो उसको आइसोलेशन में मत पढ़िए कि सेल पढ़ रहे हैं तो सेल ही पढ़ रहे हैं, सेल के आप दूसरे एस्पेक्ट्स को भी समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मल्टीडाइमेंशनल समझ बूझ बढ़ेगी वहां, बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम अगर देखें तो काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती रही है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें पता नहीं चलता कि आगे लाइफ में हम कैसे अप्लाई करें। तो अगर हम उसको शुरुआत से ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अलग अलग एंगल से समझेंगे तब हम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और हमें ये शिकायत नहीं रहेगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लाइमाइडोमोनास है, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अलग अलग तरह की सेल्स भी हमारी बॉडी में मिलती हैं, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे वो ओवम हो, स्पर्म हो, फैट सेल्स हो, ये सब भी हमें मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो समझने वाली हैं सेल में। अब अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी सेल को जब देखेंगे अक्रॉस द ऑर्गेनिजम्स, कोई भी हो अगर आप उसको देखेंगे, तो वहां पे तीन चीजें बड़ी प्राइमरीली दिख जाती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीन चीजें बहुत उभर के दिखती हैं। अगर कोई स्लाइड भी बनाते हैं हम, जैसे मैंने अभी बताया कि अनियन पील की हम स्लाइड बना सकते हैं, तो उसमें भी हमें उसका जो आउटर बाउंड्री है और उसका जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही साफ तौर पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमने समझी अभी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है मैं समझाना चाहूंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर, हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो सेल होती है उसके सबसे बाहर वाली कवरिंग,
उसको फ्लेक्सिबल होती है बहुत ये. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेल है अगर तो उसको बांध के रखने वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है. तो सेल वॉल एडिशनल होती है जो प्लांट सेल में होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है. और ये उस सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं चाहे न्यूक्लियस हो चाहे बाकी, उनको बांध के रखती है, शेप देती है उसको, हम ये कह सकते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और ये पोरस भी होती है क्योंकि ये चीजों के आवागमन को अलाउ भी करती है और रोकती भी है. मतलब जैसे हम कह सकते हैं गेट कीपर होता है, कुछ चीजें जा सकती हैं और कुछ नहीं जा सकती हैं. तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्ट करती है कि क्या चीज अंदर आ सकती है सेल के, क्या नहीं जाएगा और क्या बाहर जाएगा और क्या नहीं जाएगा. तो इसके ये भी फीचर्स होते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है, कोई भी सेल जो होती है उसमें डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन को हम हिंदी में सर कहते हैं परासरण. तो जैसे आम, उसमें भी आपने सुना होगा आम, हमारे जो बोलचाल होती है वार्तालाप होता है उसमें हम कहते हैं कि जैसे हम अपने टीचर्स की बात करें तो कहीं पे स्टूडेंट्स एक साथ कहीं खड़े हुए हैं और हमें उनको कहीं अलग अलग करना है तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिफ्यूज हो जाइए, है ना, यहाँ नहीं खड़े रहिए, डिफ्यूज हो जाइए. तो इसका क्या मतलब है कि आप दूसरी तरफ चले जाइए. तो इसी तरीके से अगर हम सेल में समझें तो सेल में भी डिफ्यूजन होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे शरीर के लिए. हम सब ये पढ़ते आए हैं कि ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. तो सेल में भी इनका आवागमन रहता है. तो कोई भी सेल है अगर हमें, हम पाचन की जब बात करते हैं तो पाचन में ऑक्सीजन यूज होती है, खाना पचाने में ऑक्सीजन यूज होती है. तो सेल में जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो हमें और ऑक्सीजन चाहिए. तो बाहर से वो ऑक्सीजन अंदर आती है सेल के डिफ्यूजन के थ्रू, और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ करती है. इसी तरीके से जब अब हमने डाइजेशन कर लिया फूड का तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, वो एक्स्ट्रा है, वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक है हमारे लिए, तो हमें उसको बाहर निकालना है. तो वो भी सेल से बाहर डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है. तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है. तो अगर हमारी सेल में, जैसे मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, इसकी मदद से स्टूडेंट समझ पाएंगे कि ये डायग्राम में हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन है जो कि सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर रही है. अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है वो साइटोप्लाज्म है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं जो प्रोड्यूस हो गए हैं एज अ टॉक्सिक, अब वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है. सिमिलरली बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो अंदर आ रही है. तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम सुनते हैं सेल के संदर्भ में, कोशिका के संदर्भ में, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं. तो कई बार सर ये बड़ा कंफ्यूजन हमें भी रहता था जब हम पढ़ते थे कि डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है. तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन ये क्या होता है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. तो डिफ्यूजन तो ऐसे भी है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले गए हम. लेकिन अगर हम वॉटर के कॉन्टेक्स्ट में कहें, अगर सेल में हम वाटर के कॉन्टेक्स्ट में कहें, तो क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वहां से वाटर बाहर जाता है या अंदर जाता है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. सो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. जैसे मैंने एक ये डायग्राम स्टूडेंट्स के लिए लाई हूं मैं, डायग्राम कम वीडियो है ये. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है इसको, सेल नहीं है ये, एक जार है जिसमें दो सोल्यूशन अलग अलग रखे हुए हैं और बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. ये कुछ को अलाउ कर रही है, कुछ को अलाउ नहीं कर रही है. जैसे सॉल्यूट पार्टिकल है अगर, जैसे मान लीजिए कोई आपने ले लिया, एक तरफ पानी ले लिया और एक तरफ आपने काफी सारी चीनी मिला के शरबत ले लिया, भर दिया आपने, तो अब शरबत जो है उसमें डेफिनेटली चीनी ज्यादा है, शरबत भी है, पानी कम है, लेकिन जो प्योर वाटर है उसमें पूरा पानी है. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो पानी है, वाटर है, वो कहां से कहां जाएगा, क्योंकि पानी तो शरबत में भी है और प्योर वाटर तो वाटर है ही है. तो इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जब हम वाटर का मूवमेंट देखते हैं तो वाटर हमेशा, स्टूडेंट समझिए, अपने वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. अगर जहां पे पानी ज्यादा है, नेट वाटर जहां ज्यादा है, वहां से वो उस डायरेक्शन में जाएगा, उस दिशा में जाएगा जहां पे पानी कम है. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से. यानी कि जैसे शरबत का मैंने एग्जांपल दिया, तो शरबत को अगर मैं एक सॉल्यूशन मानूं तो उसमें जो चीनी मैंने मिलाई है या शरबत मैंने मिलाया है वो तो हो गया सॉल्यूट, और जो पानी में मैंने मिलाया है वो हो गया सॉल्वेंट. तो जितना ज्यादा आप उसमें चीनी या शरबत मिलाते जाएंगे उतना ही वो गाढ़ा होता जाएगा, सांद्र होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा. और जितना आपने कम मिलाया है या प्योर वाटर लिया है उतना ही वो डाइल्यूट है. तो पानी हमेशा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है, क्योंकि जहां पानी ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ चला जाता है, ताकि वो बराबर हो जाए, इक्वलाइज हो जाए. ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस को इस तरह से भी समझ सकते हैं. सर इसमें ये है कि अगर कोई भी सेल है
तो सेल को अगर हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रख दें जहां पे वाटर ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें रख दें तो क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर जाएगा और सेल के बाहर जो है वो अंदर आएगा, दोनों तरफ जाएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो अंदर की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि बाहर पानी ज्यादा था, बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन था, तो इसलिए वाटर का मूवमेंट जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। सो इफ अ सेल इज पुट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन द मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड सेल विल स्वेल। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम एक ऐसी जगह रख देते हैं जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहें, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, मतलब जो अंदर है वही बाहर, वही बाहर है, तो वाटर अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा लेकिन नेट मूवमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन सेम है, दोनों इक्विलिब्रियम पर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो इसीलिए अंदर भी उतना ही जा रहा है और बाहर भी उतना ही जा रहा है। डॉक्टर प्रियंका, हमको अपना सेशन जो है कंक्लूड करना होगा, वी हैव हार्डली 1 मिनट फॉर यू। हाँ, तो लास्ट में इसको बताने के साथ में सेशन खत्म करूंगी और जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इसमें तीसरा जो स्टूडेंट है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, एक ऐसे एनवायरमेंट में रखते हैं जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है, जहां पे वाटर का अमाउंट कम है, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो सेल क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से पानी निकल चुका होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें याद रखना है स्टूडेंट के जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का स्पेशल केस है और वो सेल के संदर्भ में होता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं जो कि हाइपोटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो सेल की एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है, वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से उसका एनवायरमेंट। तो इसी के साथ में मैं इसको खत्म करना चाहूंगी सर, अगर कोई प्रश्न आपके माइंड में हो या कोई भी ऐसी चीज जो अगर आ रही हो स्टूडेंट्स की तरफ से। बिल्कुल, ये अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से सेल का स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस है वो बताने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो इसमें ज्यादा रेसिप्रोकेशन होगा क्योंकि अभी उनका एक इनिशियल फेज है, सेल को आपने इंट्रोड्यूस किया है और सेल में ही लाइफ है, लेकिन लाइफ कहाँ से आई है इसका अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है। तो डॉक्टर प्रियंका, आप यहाँ तक आई, आपने बहुत बेहतर तरीके से ये हमारे बच्चों को बताया कि क्लास 9th के लिए सेल का कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। थैंक यू। हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं पीएम ई विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।